तो गाइस सबसे पहले तो हमने अपने फोटो को अपने जो गैलरी में ओपन कर लिया है, तो इसमें रियल फोटो आपको दिख रहा होगा। तो गाइस सबसे पहले तो हम इसे लाइट रूम ऐप में लेकर चलेंगे, फिर अपनी एडिटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो कर लेता हूँ शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक, जो कि हमारा ये वाला आइकन है। और गाइस अब आपको लाइट रूम ऐप पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस मैं अपने लाइट रूम ऐप पर जल्दी से क्लिक कर लेता हूँ। तो गाइस देखना हमारा लाइट रूम का एक ऑप्शन आ चुका, एक और आ रहा होगा। तो इस पर हम टैप कर लेते हैं। तो देखना मैं इस पर टैप करूँगा तो देखना दो ऑप्शन आ चुके। तो आपको एडिट इन लाइट रूम पर क्लिक कर देना है। तो गाइस जो हमारा फोटो लाइट रूम में इम्पोर्ट हो रहा है, कुछ ही सेकेंड्स में इम्पोर्ट हो जाएगा। तो गाइस तब तक के लिए वेट कर लेते हैं। तो गाइस हमारा फोटो जो हमारे लाइट रूम ऐप में इम्पोर्ट हो चुका है। तो गाइस सबसे पहले तो आपको ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और गाइस सबसे पहले तो हम इसके यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो गाइस इसके एक्सपोजर को हम कम करेंगे, तो मैं 0.72 तक रख दिया है। देखना हमारे एक्सपोजर को माइनस, तो कुछ ऐसे करके आपको रख लेना है। और इसके कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर लेना है, तो मैं कॉन्ट्रास्ट को 32 तक इंक्रीज कर लिया है। और इसके हाईलाइट्स को मैं बढ़ा लूँगा, तो इसकी हाईलाइट्स को मैंने इंक्रीज कर लिया है 72 तक। और इसकी शैडो को भी देख लेते हैं। तो इसकी शैडो को हल्का सा आपको बढ़ा लेना, जिससे कि हमारी हेयर्स और हमारे टैटू में एकदम क्लियरिटी दिखे मॉडल के। और वाइट्स को भी इंक्रीज कर लेते हैं हल्का सा, तो वाइट्स को मैं 22 तक इंक्रीज कर लिया है। अब सिंपली अपनी ब्लैक्स को भी हल्का सा इंक्रीज करेंगे, तो काफ़ी कर लेते हैं। तो गाइस मैं 56 तक इसकी ब्लैक्स को इंक्रीज कर लिया है। तो ये वाली सेटिंग्स कुछ ऐसे करके आपको रख लेनी है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर, जो कि ये वाला ऑप्शन है इसके नीचे है, तो उस पर टैप कर लूँगा। तो वह सबसे पहले तो आपको यहाँ पर टैप कर लेना है कलर वाले ऑप्शन पर। तो वह इस पर टैप कर लेते हैं। तो वह देखना हमारे यहाँ पर सारे कलर्स आ चुके हैं। तो वह सबसे पहले हमारा रेड कलर, तो वह इसकी व्यू को हम कम कर लेते हैं। देखना हमारे यहाँ पर कितना इफेक्ट आ रहा है, अगर मैं इसे बढ़ा रहा हूँ तो इसे कम कर लेंगे। तो गाइस मैंने इसे कम कर लिया है इसे माइनस के 70 तक। और मैं इसकी सैचुरेशन को इंक्रीज कर लेता हूँ और इसके ल्यूमिनेंस को बढ़ा लेता हूँ। तो मैं 27 तक इनकी इसकी ल्यूमिनेंस को बढ़ा लिया। तो गाइस देख सकते हैं मैंने कुछ सेटिंग्स रखी हैं रेड कलर की। अब आते हैं हमने ऑरेंज कलर पर। तो गाइस ये हमारा फेस का कलर होता है। गाइस देखना हमारे फेस पर इफेक्ट आ रहा है। तो इसे आपको क्या करना है, इसे आपको कम कर लेना है, इसे बढ़ा लेना है। तो गाइस इसे मैंने बढ़ा लिया है 19 तक और बढ़ा लिया। तो मैंने 21 तक इसे बढ़ा लिया है। और इसकी सैचुरेशन को मैं हल्का से कम कर लेता हूँ। तो इस मैंने इसकी सैचुरेशन को -3 रखा है। और इसकी ल्यूमिनेंस को मैं बढ़ा लूँगा। और गाइस मैंने इसकी ल्यूमिनेंस को बढ़ा लिया 28 तक, जिससे कि हमारा चेहरा एकदम लाइट हो चुका है, एकदम हमारे रेड टोन चली गई हमारे फेस से, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। अब आते हैं अपने येलो कलर पर। तो गाइस इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो ऐसे हम एकदम 100 कर देंगे और इसकी सैचुरेशन को भी बढ़ा लेंगे फुल एकदम 100। इसकी ल्यूमिनेंस को भी इसकी ल्यूमिनेंस को हल्का सा बढ़ाएंगे। तो मैं इसकी ल्यूमिनेंस को 39 तक बढ़ा लिया। तो कुछ ऐसे करके आपको ये वाली सेटिंग्स भी रख लेनी है। अब आते हैं ग्रीन कलर पर। तो इसकी सैचुरेशन को एकदम फुल कर देना आपको 100 बस। अब आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर, तो जो कि हमारा स्काई ब्लू कलर है। तो गाइस कहीं नहीं दिख रहा है हमारा, तो इसकी यू को हम बढ़ा देंगे, जो कि जहाँ होगा हमारा वहाँ पर ब्लू हो जाएगा। तो मैं 28 तक बढ़ा दिया है। अब आते हैं सिंपली अपने ब्लू कलर पर। तो गाइस ब्लू कलर की हमारी टी शर्ट के मॉडल का कलर है, मॉडल की टी शर्ट का कलर है। तो भाई ऐसे देखना ऐसे बढ़ाएंगे तो हमारी ऐसे करके हमारी कलर टोन ऐड हो रही है। तो भाई मैंने इसे माइनस के 33 कर दिया, जैसे कि हमारे स्काई ब्लू टोन ऐड हो चुकी है हमारे मॉडल के कपड़ों में। तो भाई इसकी ल्यूमिनेंस को बढ़ा लेंगे हल्का सा और इसकी सैचुरेशन को भी बढ़ा लेंगे। तो मैंने इसकी सैचुरेशन को 46 तक बढ़ाया है और ल्यूमिनेंस को 18 तक बढ़ा लिया। तो कुछ ऐसे करके आपको कर लेना है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर, जो कि कलर। तो गाइस देखना ये वाला कलर हमारा कहीं ज़्यादा नहीं दिख रहा। तो इसकी और सैचुरेशन को आपको कम कर लेना हल्का सा। तो -37 तक मैंने कर लिया है। और इसकी व्यू को आपको एकदम -100 रखना है ऐसे करके, जिससे कि हमारा जी कलर हो जाए जहाँ पर होगा वहाँ हमारा थोड़ा सा इससे फीका हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कलर पर। तो ये वाला कलर भी हमारा कहीं नहीं दिख रहा, तो इसी सैचुरेशन -100 रखेंगे। तो वह सिंपली हमारी कलर्स की सेटिंग सोचेंगे, सिंपली डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर। तो गाइस मैंने क्लिक कर लिया। तो बस अब आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर, जो कि हमारा ये वाला ऑप्शन है, तो उस पर टैप कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इसके टेक्सचर को हल्का सा कम कर देना है, जिससे कि हमारी फोटो एकदम स्मूथ है। देखना मैं ऐसे बढ़ा रहा हूँ तो एकदम हमारा फोटो ऐसा लग रहा है, और मैं इसे कम करूँगा तो देखना एकदम स्मूथ हो चुका। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। तो गाइस मैं इसे कम कर लेता हूँ हल्का सा ही। तो गाइस मैंने इसे कम कर लिया है -66 तक मैंने इसे कम कर लिया है। और गाइस इसकी क्लियरिटी को भी हल्का सा कम कर लेंगे। तो मैं इसकी क्लियरिटी को भी -15 तक कर लिया है। और गाइस इसकी अब वाइंटेज को आपको इसकी बिगनेट को करना है, इसकी डीएच को कुछ नहीं करना है। और इसकी बिगनेट को आपको कम कर लेना है। तो गाइस मैंने इसकी बिगनेट को कम कर लिया है, देखना गाइस। तो मैंने इसकी बिगनेट को -54 तक मैंने रख लिया है, देखना बिगनेट को सिंपली। गाइस अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, जो ये वाला कलर है। तो इसकी शार्पनिंग को हल्का सा बढ़ा लेंगे, तो मैं 21 तक बढ़ा लिया है। और अब जो आप देखना, आप जैसे तो हमारा फोटो फुल एडिट हो चुका है गाइस, देखना अच्छे से। तो भाई मैं आपको दिखा दूँ कैसा था अभी फोटो हमारा, अब कुछ ऐसा हो चुका है। तो भाई आप चाहो तो यहाँ पर भी सेव कर सकते हो अपने फ़ोटो को। तो और गाइस अगर आपका ये वाला ऑप्शन चालू हो तो आप इससे एडिटिंग कर सकते हो। और वैसे हमारा फोटो फुल एडिट हो चुका है। तो
तो बस मेरे में ऑप्शन ऑन है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और अब आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और सिंपली आपको सिलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक कर लेना सबसे ऊपर, तो मैं इस पर टैप कर लूँगा तो ये हमारे सब्जेक्ट को ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। तो गाइस देखना यहाँ पर सर्चिंग चल रही है, तो गाइस तब तक के लिए वेट कर लेते हैं हम। तो गाइस इसने हमारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, अब सिंपली आपको यहाँ पर टैप करना है जैसे कि हमारा बैक सब्जेक्ट हट जाएगा और बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाएगा। तो गाइस मैं इस पर टैप कर लेता हूँ, तो गाइस देखना इसने हमारे बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया। गाइस आपको रेड रेड दिख रहा होगा बट रेड रेड नहीं हुआ हमारा बैकग्राउंड, ये सिर्फ हमें बैकग्राउंड दिखाने के लिए ऐसा आ रहा है। तो गाइस अब आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेनी है अपने बैकग्राउंड की। तो सबसे पहले तो आपको ये वाले ऑप्शन पर आना सबसे नीचे यहाँ पर बीच में ये वाले पर। तो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके टेक्सचर को तो आपको कम कर देना है। देखना हमारा बैकग्राउंड एकदम स्मूथ हो चुका है गाइस, देखना पहले कुछ ऐसा था, ये बिल्कुल ऐसा कर देंगे। देखो मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, तो गाइस देखना ऐसा हो जाएगा हमारा बैकग्राउंड। अब मैं ऐसे करूँगा तो एकदम स्मूथ दिख रहा है गाइस बैकग्राउंड। तो ऐसे करके आप अपने बैकग्राउंड को स्मूथ कर सकते हो, एकदम डी एस एल आर में ब्लर होता है ऐसे। और गाइस इसकी क्लियरिटी को आपको हल्का सा कम करना है, तो मैंने इसकी क्लियरिटी को -10 तक कर दिया है। अब सिंपली आ जाते हैं अपने ये वाले ऑप्शन पर, ये वाला ऑप्शन आपको दे रहा होगा। तो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी शार्पन को एकदम 0 रखना है और इसकी नॉइज को एकदम 100 रखना है। तो कुछ ऐसे करके आपको सेटिंग्स रख लेनी है। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड भी एकदम अच्छे से ब्लर हो चुका है। तो आप सिंपली आते हैं अपने ये वाले ऑप्शन पर सबसे ऊपर। तो गाइस यहाँ पर भी आपको क्या करना है मैं आपको बता दूँ, आपको इसके एक्सपोजर को आपको कुछ नहीं करना है, हल्का सा कम कर देना है हल्का सा। तो मैंने 0.38 तक मैंने इसे कम कर दिया है। तो गाइस देख सकते हो हमारा फोटो जो है फुल ऐड हो चुका है। और गाइस इसमें चाहो तो आप बैकग्राउंड पे एकदम फुल्ली एकदम चेंज टोन ऐड कर सकते हो। मैं आपको बताऊँ कैसे, आप यहाँ पर टैप करोगे आप कलर वाले ऑप्शन पर, और गाइस आप देखना यहाँ पर टिंट पर सिलेक्ट करोगे तो देखना हमारे बैकग्राउंड का कलर एकदम चेंज हो चुका है। गाइस देख सकते हो हमारे बैकग्राउंड का कलर कुछ ऐसा था पहले, तो हम ऐसा किया तो हमारे बैकग्राउंड का कलर एकदम चेंज हो चुका है गाइस। तो ऐसा करके आप कर सकते हो। अब आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर जो कि हमारा सैचुरेशन का है। तो इसकी सैचुरेशन को हम फुल कर देते हैं, एकदम हल्का सा करते हैं, ज़्यादा फुल नहीं करते हैं। तो हमें इसके 59 तक बढ़ा दिया इसकी सैचुरेशन। तो वैसे हमारा फोटो जो है फुल एडिट हो चुका है, आप देख ही सकते हो। गाइस अपने फोटो को हम सेव करेंगे, अब सिंपली आपको यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना सबसे पहले ये वाली सेटिंग्स को अप्लाई करने के लिए। तो वैसे हमारा जो है फोटो अब हम सेव करेंगे, आपको यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है जो कि ये वाला है, तो उस पर टैप कर लेना है और ऐसे करके स्क्रॉल करके सबसे नीचे एक्सपोर्ट है बस टैप कर लेना है। अब सिंपली आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो गाइस जो हमारा फोटो है सेव हो रहा है, कुछ ही सेकंड्स में सेव हो जाएगा, तब तक के लिए आपको वेट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी सर्चिंग चल ही रही है। तो गाइस हमारा फोटो जो है सेव हो चुका है। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर से करते लाइक, और आपने चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से चैनल को लेना सब्सक्राइब, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो गाइस फिर कभी मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ।